जगह जगह कोल्हापुर, सांगली और सतारा जैसे क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए बढ़ाया जा रहा हाथ। हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के भंडारी कंपाउंड के, जो वहाँ के स्थानीय नगर सेवक है और विशेष तौर पर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता है यशवंत टावरे। उन्होंने एक पत्रकार परिषद के माध्यम से जानकारी दी कि इस बार जो वो दही हंडी मनाने वाले हैं उसमें काफी कटौतियां करते हुए नजर आए। हम आपको सबसे पहले तो बता दें कि भंडारी कंपाउंड में उनके माध्यम से युवा शक्ति मंडल के द्वारा वहां पर एक दही हंडी के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां पर लाखों की संख्या में वहां पर लोग उपस्थित रहते हैं। विशेष तौर पर उनके दही हंडी में उत्तर भारतीयों का जो जमावड़ा देखने को मिलता है वो वाकई शहर में एक चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि उन्होंने आज इस पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए कहा कि जो कोल्हापुर, सांगली, सतारा में बाढ़ पीड़ित हैं उन सभी के लिए उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए नजर आए। पत्रकार परिषद के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी और कहा कि जो सांगली, कोल्हापुर में जो बाढ़ आया है वहाँ के जो लोग उस बाढ़ से पीड़ित है उसके लिए उन्होंने सीएम वेलफेयर फंड में लाखों रुपए डोनेट करके उनके मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए नजर आए। देखिए इस खास रिपोर्ट में, इस पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए यशवंत टावरे ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। इस साल भी दही हंडी का प्रोग्राम हम हर साल की तरह मना रहे हैं, लेकिन इस साल जो बाढ़ आई कोल्हापुर और सांगली में उससे बहुत ही क्षति हुई है, और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारा युवा शक्ति मित्र मंडल त्यौहार त्यौहार के हिसाब से ही मनाएंगे, लेकिन कुछ कटौतियाँ करके बहुत सारी कटौतियाँ करके उसके अंदर पूरग्रस्तों के लिए जितना हो सके हमारे दोस्तों ने, हमारे जो इलाके के लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा मदद पूरग्रस्तों के लिए कैसे होएगा इसका ध्यान रखा जाए। हमारे खासदार आमदार महेश जी चौगले, खासदार कपिल पाटिल जी, इनके माध्यम से हम लोग सीएम रिलीफ फंड में चेक के माध्यम से देंगे। लगभग कितने की निधि रहेगी और इसमें गोविंदा पदकों से आपकी क्या अपेक्षा है? गोविंदा पदकों से यही अपेक्षा है कि गवर्नमेंट ने जो तुम्हारे लिए रूल लागू किए उसको फॉलोअप लेवे, और हमारे यहाँ पे जो भी गोविंदा पदक आता है तो उसका हम लोग आइडेंटिटी कार्ड पहले देखते हैं, आधार कार्ड, उसकी उम्र का ख्याल किया जाता है और फिर ही उसको ऊपर चढ़ने के लिए अनुमति मिलती है। बाढ़ पीड़ितों के लिए उनका भी क्या कहते हैं, कटौती कर रहे हैं? एक कलाकार जो है वहाँ के भोजपुरी इलाका ज़्यादा होने के नाते सारे कलाकार भोजपुरी ही आते हैं और वो अपने मर्जी से आते हैं, उनको बुलाते नहीं, लेकिन उन लोगों का क्या 2-3 महीने पहले ही शेड्यूल तैयार रहता है, और ये बाढ़ अभी आ गई है इसका पता नहीं था, लेकिन वो लोगों का आने का प्रोग्राम 2 महीने पहले ही तय रहता है और हमारा मंडल जो भी है तैयारी करता है 1-2 महीना पहले ही। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज टीवी न्यूज़, धन्यवाद।